अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम इबादत खान है। आप देख रहे हैं पाकिस्तानी इन्वेस्टर यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज की वीडियो में मैं आपको यहाँ पे रावलपिंडी इस्लामाबाद के अंदर एक बहुत ही अच्छी और उभरती सोसाइटी का जिक्र करने जा रहा हूँ। जी हाँ नाज़रीन, जिसका नाम है अब्दुल्ला सिटी। ये एक बहुत ही मशहूर और नई सोसाइटी है नाज़रीन। ये 2020 में इस प्रोजेक्ट के ऊपर काम का आगाज़ हुआ और बताया जाता है कि ये जो सोसाइटी है वो 35,000 कनाल पे मुश्तमिल है। और सोसाइटी की कोशिश है कि सोसाइटी को और ज़्यादा इसके अंदर और ज़्यादा लैंड को शामिल किया जाए ताकि एक बहुत ही अच्छी सोसाइटी मुस्तकबिल में इसका वजूद अमल में आए। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि बहुत सारी सोसाइटीज़ जो है इस्लामाबाद पिंडी के अंदर, बहुत सारी सोसाइटीज़ इस वक्त जो है वो चल रही हैं। कई सोसाइटीज़ रजिस्टर्ड हैं और कई जो है अनरजिस्टर्ड हैं। आपने जैसा कि न्यूज़ में सुना होगा कि बहुत सारी सोसाइटीज़ जो हैं वो फ्रॉड करके लोगों से पैसा बटोरती है, जिसको ऐसे लोगों की जमा पूंजी ज़ाया हो जाती है। ऐसी सोसाइटीज़ के ख़िलाफ़ इस्लामाबाद का CDA और RDA का क्रैकडाउन जारी है और उम्मीद ये है कि इंशाल्लाह भी जो है ऐसी सोसाइटियाँ सिर्फ रहेंगी जो रजिस्टर्ड होंगी। जो रिलायबल सोसाइटीज़ होती, जो अनरिलायबल सोसाइटीज़ हैं वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होते जा रही हैं, क्योंकि गवर्नमेंट का इनके ऊपर बहुत ही चेक है। अभी पहले तो ये होता था कि बस एक सोसाइटी एक ऑफिस बना के एक नाम से वो अपना काम शुरू करती थी और लोग जो है सारे लोग इनके जानसे में आके जो है वो प्लाट लेते थे। बाद में जब पता चलता था कि वो तो ज़मीन तो है ही नहीं ग्राउंड में, तो बहरहाल इस तरह की सोसाइटियों से आप बचें। और मेरी कोशिश है कि मैं एक ऐसी सोसाइटीज़ का जो है अपने वीडियो के अंदर उनको शामिल करूँ ताकि जो रिलायबल हों और जिसके ऊपर आप ट्रस्ट कर सकते हैं, एतमाद कर सकते हैं। अगरची मैंने देखा कि सोसाइटी को जो है अभी जो इसका जो NOC है वो तकमील के आखिरी मराहिल में है। उम्मीद की जाती है कि इंशाल्लाह इस साल आखिर तक या अगले साल के वस्त तक जो है इस सोसाइटी को बाकायदा तौर पर NOC जारी होगा। नाज़रीन, इस प्रोजेक्ट के ऊपर बहुत तेज़ी से काम हो रहा है। यहाँ पे इस वक्त जो है 4 साल का इंस्टॉलमेंट प्लान मुतारफ़ कराया जा रहा है, जिसमें 5, 10 और 1 कनाल के प्लाट शामिल हैं। इसी तरह अगर आप कमर्शियल प्लाट बुक करना चाहते हैं तो इसमें यहाँ पे 3 मरले, 8 मरले और 1 कनाल के कमर्शियल प्लाट्स भी अवेलेबल हैं। नाज़रीन, बुकिंग जो है 25% डाउन पेमेंट पर आप बुक करा सकते हैं। नाज़रीन, अब्दुल्ला सिटी इस्लामाबाद की लोकेशन की बात की जाए तो ये M2 मोटरवे चक्री रोड के ऊपर ये सोसाइटी बनाई जा रही है नाज़रीन। और यहाँ पे कलमा चौक से 25 मिनट के ड्राइव पे सोसाइटी वाक़ है। इसी तरह यहाँ से 5 मिनट की दूरी पे चक्री इंटरचेंज यहाँ से अब्दुल्ला सोसाइटी से है। इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट वहाँ अब्दुल्ला सोसाइटी से 30-40 मिनट लगते हैं नाज़रीन। और इसी तरह अगर बहरिया टाउन आना हो अब्दुल्ला सिटी से तो 1 घंटे का यहाँ पे रास्ता है। इसी तरह मेन इस्लामाबाद और रावलपिंडी सिटी से जो है यहाँ 40 मिनट लगते हैं अब्दुल्ला सिटी के लिए। नाज़रीन, इस अब्दुल्ला सिटी के जो डेवलपर का जिक्र करें तो इसमें अजीज़ बिल्डर्स जो है ये एक मशहूर नाम है रावलपिंडी इस्लामाबाद में बिल्डिंग के हवाले से, तो वो जो बिल्डर्स हैं अजीज़ बिल्डर्स वो सोसाइटी को बनाए जा रहे हैं। तो नाज़रीन, ये सोसाइटी जो है 2 फेज़ में कंप्लीट होगी। और पहले फेज़ में जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि ये सोसाइटी 2020 में इसके ऊपर काम का आगाज़ हो चुका है और इसी तरह 5 साल के अंदर इसका पहला फेज़ मुकम्मल होगा। तो इंशाल्लाह जो है उसके बाद फिर जो है और 5 साल के बाद ये गालिबन ये 2030 में ये जो सोसाइटी नाज़रीन वो मुकम्मल तौर पर जिस तरह बहरिया टाउन आपको नज़र आता है, इसी तरह एक सोसाइटी की पूरी शक्ल आपको विद इन 10 ईयर्स जो है ये आपको नज़र आएगी। नाज़रीन, ये बहुत ही अच्छा एक सुनहरा गोल्डन चांस है हमारे इन्वेस्टर्स के लिए, ख़ासतौर पर ओवरसीज़ पाकिस्तानी ऐसी सोसाइटीज़ में जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो आपके लिए एक बहुत ही बेहतरीन मौका है क्योंकि लोकेशन भी बहुत अच्छी है और अनकरीब जो है इसको NOC भी मिलने वाला है। तो उस हिसाब से मेरा ख्याल है कि वो एक बहुत ही अच्छी सोसाइटी मुस्तकबिल करीब में ये उबर के सामने आ सकती है, इसके बहुत ही प्रॉस्पेक्ट्स नज़र आ रहे हैं। तो नाज़रीन, इसी तरह अगर हम अब्दुल्ला सिटी की देगर अम्यूनिटीज़ की बात की जाए तो यहाँ पे ब्यूटीफुल इंट्रेंस गेटेड कम्युनिटी और बाउंड्री वॉल बनाया जा रहा है। स्ट्रीट लाइट्स और ग्रीन बेल्ट्स का यहाँ पे इंतज़ाम होगा। 24 घंटे सिक्योरिटी और CCTV कैमरेज लगाए जाएंगे और प्रोविजन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, वाटर और गैस का मुनासिब बंदोबस्त होगा।
फ्रेश एंड क्लीन ड्रिंकिंग वाटर का यहाँ पे इंतजाम किया जा रहा है नाजरीन। प्ले लैंड फॉर किड्स एज वेल एज लश ग्रीन पार्क्स बनाए जा रहे हैं। स्पोर्ट्स और रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ का मुनासिब बंदोबस्त किया जाएगा। जिमनेजियम, स्विमिंग पूल्स और इसी तरह स्पा बनाए जा रहे हैं यहाँ पे नाजरीन। जॉगिंग ट्रैक्स और मिनी थिएटर्स भी यहाँ पे कायम होंगे। अब यहाँ पे बेहतरीन इंटरनेशनल ब्रांड्स के यहाँ पे रेस्टोरेंट्स और स्पेशल कार पार्किंग का मुनासिब बंदोबस्त किया जा रहा है और सेपरेट कमर्शियल एरिया यहाँ पे मुख्तस किया जा रहा है कमर्शियल एक्टिविटीज़ के लिए। मेडिकल और एजुकेशनल फैसिलिटीज़ यहाँ पे नाजरीन कायम होंगे। तो गोया बुनियादी ज़िंदगी की तमाम ज़रूरियात आपको इस सोसाइटी के अंदर मुहैया होंगी। नाजरीन ये तो था अब्दुल्ला सिटी इस्लामाबाद से मुतल्लिक एक मुख्तसर जायजा। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप मेरे चैनल पे नहीं है तो प्लीज सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि आपको मेरी आइंदा आने वाले वीडियोस की अपडेट्स भी मिलती रहें। थैंक यू वंस अगेन फॉर वॉचिंग माई वीडियो। खुदा हाफिज़ एंड टेक केयर।